100 डे इन मिराइबुगो सीजन 1 एबिसल सोल। तो मिराइबुगो में फर्स्ट सीजन एबिसल नेम से आ चुका है एंड इसका फर्स्ट इवेंट पंपकिन इवेंट है हेलोवीन थीम पर बेस्ड, जिसमें अपन को टेलीपोर्टर चेंज मिलेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टैट्स रहेंगे जिसको अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा, देन अपन को पंपकिन ड्रॉप्स मिलेंगे। उसके साथ इवेंट का अपन को स्पेशल मिराइबुस भी देखने के लिए मिलेगा और अपन को इसमें कैंडी बनाने के लिए कैंडी फ्रूट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। चलो इसी बायोम में आज अपन सर्वाइव करेंगे 100 डे। अब देखो 100 डे इसमें काउंट करने का कोई वे नहीं है, कॉज सर्वर में रन होता है और सर्वर में दिन रात होते ही रहता है भले तुम लोग गेम को बंद कर दोगे तो, लेकिन अपन अपने जर्नी को एज 100 डे ही कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, एटलीस्ट प्ले तो करेंगे। तो चलो देखते हैं, इसमें बैटल फाइट भी होगा तो अपना एंड गोल तो यही रहेगा, अपन को ये बॉस जो भी न्यू बॉस मिराइबो है उसको कैप्चर करना है। चलो अपन देखते हैं अपने जर्नी में अपन इसको कैप्चर कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। So, let's go। तो एक बेसिक से बेस लोकेशन पर स्पॉन होने के बाद मैंने यहाँ पे रिसोर्स वगैरह को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ मुझे टेलीपोर्टर यहाँ पे इवेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ मिलता है। इसमें टेलीपोर्ट के अलावा एक दूसरा ऑप्शन था अपने एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड करने के लिए, जिसके बारे में तो मुझे इस टाइम पे गाइस कुछ भी आइडिया ही नहीं था। और तभी मेरे को घूमते घूमते यहाँ पे एक पंपकिन ड्रॉप दिखाई दिया, मैं इसे ओपन करने के लिए गया लेकिन मुझे पता चला कि इसको ओपन करने के लिए की जरूरत पड़ती है जो कि मेरे पास तो इस टाइम पे था ही नहीं। बाकी उसके बाजू में ही गाइस मुझे एक स्किल फ्रूट ट्री दिखाई दिया, जिसके पास जाने पर पता चला कि ये स्किल फ्रूट तो नहीं थे, ये थे कुछ प्योर बेरीज एंड लीफी बेरीज। तो मुझे इस टाइम पे इनका यूज पता नहीं था लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग में इनको कलेक्ट करके रख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं इसके बारे में। तभी मेरा नजर पड़ता है ये मिराइबो के ऊपर जो कि एक वाटर टाइप कैट लाइक मिराइबो था। तो मैंने सोचा आगे की प्रोग्रेशन के लिए क्यों नहीं इसको अपना पार्टनर बना लेना चाहिए एंड इस पे स्पॉन होती है अपन को 5 मिराइबो बॉल्स मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा इसकी हेल्प से इसको कैप्चर कर लेना चाहिए। तो 2-3 पंच मारने के बाद गाइज मैंने इसको सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। ओके, कैप्चर करने के बाद मुझे इसके बाजू में दिखाई दिया एक रोलो करके नेक्स्ट मिराइबो। तो मैंने अपने न्यू पार्टनर जिसको मैंने अभी कैच किया था उसके साथ लग गया इसको डैमेज देने के लिए। डैमेज देने के बाद मैंने इसको 100% कैचिंग रेट के साथ में इजीली कैप्चर कर लिया एंड जैसे जैसे मेरा लेवल अप बढ़ रहा था मैंने एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स को लगाने के लिए देखा लेकिन मुझे पॉइंट्स मिले ही नहीं। व्हाई, मैं कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे, व्हाट जस्ट हैपेंड। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है गाइज अगर अपन को यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो इसी के साथ मैं लग गया इसको डैमेज करने के लिए एक वोल्ट जीगो जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप था एंड फाइट करने के बाद मैंने इसको भी कैप्चर करने की कोशिश किया लेकिन ये बॉल के अंदर आ ही नहीं रहा था और मैं बहुत ज़्यादा इससे फ्रस्ट्रेट हो गया था और इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी मेरे लास्ट मिराइबो बॉल में ये पता नहीं क्यों कैप्चर हो गया, अगर ये कैप्चर नहीं हुआ रहता तो मैं इस टाइम पे इसको मारने का सोच रहा था। बहुत हुआ मिराइबो कैचिंग, मैं वुड फार्मिंग में लग गया गाइस कॉज मुझे कुछ सामान बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने एक मेरा टर्मिनल को बनाया, देन सिंपल वर्क बेंच, उसकी हेल्प से मैंने पिकेक्स को बनाया, पिकेक्स के बाद मैंने हैचेट को बनाया कॉज इनसे मुझे स्पीडली रॉक एंड वुड फार्मिंग में हेल्प होने वाला था। उसके बाद मैंने बनाया गाइज वहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स अपने सामान को स्टोर करने के लिए जैसे कि बेरीज वगैरह। देन गाइज फाइनली फैब्रिक को बनाकर मैंने अपने लिए नॉर्मल क्लोथ को बना लिया कॉज गरीब तो नहीं दिखना चाहते थे अपन। तो चलो अभी अपने हैचेट एंड पिकेक्स को यूज कर लिया जाए जिसके लिए इसको बनाया गया है। वुड एंड रॉक को फाइनली फार्म करने के बाद मैंने अपने लिए एक बो को बनाया जिससे अपन फाइनली एक बेटर वेपन से मिराइबोस को डैमेज दे सकते थे वो भी उनसे दूर रहकर। और इसके बाद मुझे इसमें ऑब्वियसली चलाने के लिए एरोज तो बनाने ही थे तो मैंने जल्दी से एरोज को भी क्राफ्टिंग पर लगाया लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैंने तो मिराइबो अपने बेस में छोड़ा ही नहीं तो मुझे ही बनाना पड़ा सारा। एंड गाइज मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन करते जा रहा था एंड रिपेयर बेंच भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था। देन मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बनाया और तुम लोग देखना मेरा घर कैसा दिखता है, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद फाइनली बेड लगाने के बाद मेरा प्यारा सा घर बन गया और इसी के साथ अपन मिराइबो टर्मिनल भी
अपग्रेड हो रहा था तो मैंने साथ में अपग्रेड करता जा रहा था। देन अपन ने स्टार्ट किया गेम के मेन काम को करना, जो कि था मिराइबोस को कैप्चर करना। और राइट, और ये वाले एरिया पे जिस मिराइबोस को मैंने अभी तक कैप्चर नहीं किया हुआ था उसको मैंने फाइनली डैमेज दे देकर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। कॉज जिस मिराइबो को तुम लोग फर्स्ट टाइम कैप्चर करते हो तुम्हें उससे ज्यादा एक्सपी मिलता है और लेवल अप भी ज्यादा होता है। कैप्चर करते करते मुझे एक नॉक्ट मैन दिखाई दिया जो कि ओनली नाइट टाइम में तुम्हें दिखाई देता है, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग के लिए इसको क्यों नहीं कैप्चर कर लिया जाए। हालांकि इसको डैमेज देना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था, लेकिन मैंने अपनी इलेक्ट्रिक मंकी की हेल्प से इसको डैमेज तो दे दिया। और स्टार्टिंग में ये नॉक्टमैन तुम्हारी बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पहल होता है, लेकिन इसका एक बात का ध्यान रखना, ये ओनली क्लोज रेंज अटैकर है, तो अब तुम्हें एनिमीज के ज़्यादा इसको क्लोज रखना पड़ेगा तभी ये डैमेज दे पाएगा, नहीं तो फिर इसका डैमेज देने का कोई भी मतलब नहीं रहता। देन इसको डैमेज देने के बाद मैंने इसके पिच्छू में एक मिराइबो बॉल को जल्दी से फेंकने के लिए गया, एंड देन बूम, और इसी के साथ अपन ने अपना नॉक्टमैन को, फर्स्ट नॉक्ट मैन को जो कि नाइट टाइम में आता है, कैप्चर कर लिया। देन टाइम आता है बेरी प्लांटेशन का, उसके बगल में मैंने इनके लिए एक फीडर भी बना दिया और इसको ये सुबह होने के बाद खुद क्राफ्ट करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूँ इस बारी। तो उसके बाद मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को बनाया गाइस, जो कि मेरा बॉल टेबल था आई थिंक से, जिसमें से मेरा ही वो बॉल्स अपने खुद ब खुद बनते हैं, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बिकॉज मेरे पास बॉल्स वगैरह कम होते जा रहे थे और इसमें से अपन को ऑटोमेटिकली बॉल्स मिलते रहेंगे इवन मैं ऑफलाइन चला जाऊँ तो भी से, हालांकि उसमें टाइम लग जाता है लेकिन ठीक है। अब लास्ट में इनके लिए बस बेड ही बनाना रह गया था तो वो भी मैंने बना दिया। बनाने के बाद मैं फिर से अपने काम पर लग गया, मेरा ही बस को कैप्चर करने गया और मुझे यहाँ पे एक ये दिखा, आई थिंक से इसको परपर्ट बोलते हैं, तो अब इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया इजी डैमेज देने के बाद में। एक्सप्लोर करते करते मुझे सामने में एक नॉर्मल क्रेट दिखाई दिया जिसको अपन चेस्ट भी बोलते हैं, तो मैंने इसको फटाक से ओपन किया जिसमें से मुझे एक पम्पकिन की मिला और इसे देखते ही भाई मैं एक्साइटेड हो गया था और मैं बेसब्र इंसान हूँ तो मैं फटाक से भगा पम्पकिन ड्रॉप को ओपन करने के लिए। पम्पकिन ड्रॉप को ओपन करते ही मुझे उसमें से पम्पकिन कैंडी, एब्सल सोल्स और पम्पकिन टोकन मिले, जिसको देखकर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि नॉर्मल चेस्ट को ओपन करने के बाद अपन को उसमें से पम्पकिन की एवरी टाइम मिलता है, जिससे अपन को पम्पकिन ड्रॉप को ओपन करना है, उसको ओपन करते ही अपन को एब्सल सोल, पम्पकिन कैंडी और पम्पकिन टोकन मिलते हैं, जिसका यूज तो अभी मेरे को फिलहाल पता नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली ये इवेंट का पार्ट था तो एज अ डिटेक्टिव पर्सन अपन को कैसे भी करके इसका पता लगाना था। पम्पकिन ड्रॉप कलेक्ट करने के बाद मैं न्यू मिराइबोस को फिर से कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिनमें से एक कासम था। हाँ जी। उसके बाद मुझे फिर से बेरी ट्री दिखाई दिया जिसमें इस बारी बहुत सारे बेरीज लगे थे। पम्पकिन ड्रॉप्स ढूंढते ढूंढते मैं न्यू लोकेशन पर पहुंचा जहां पे मुझे बुल मिराइबो ये मोवी दिखाई दिया, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया डैमेज देकर अपने नॉक्टमैन के साथ में, और यहां से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिल रहा था। उसके साथ मैंने न्यू मिराइबोस को भी देखा तो मैंने सोचा यहीं पे अपना एक्सपी बढ़ाया जाए, अपना लेवल थोड़ा बहुत और बढ़ाया जाए, तो ये वाले को तो मैंने गलती से मार दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फायर एम्बर स्लाइम करके एक मिराइबो दिखाई दिया जिसको मैंने डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। और इस एरिया में जितने भी मेरे को न्यू मिराइबोस दिखेंगे मैं उनको कैप्चर करता जाऊंगा। ओके, तो ये भी हो गया कैप्चर, आ जाओ नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और ग्रास टाइप का मिराइबो दिखा तो मैंने इसको डैमेज देके इसको भी कैप्चर करना चाहा, लेकिन इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने इसे जबरदस्ती अपने मिराइबो बॉल के अंदर कैप्चर कर लिया। देन मैंने ये देखा 32 लेवल का कोरोला बॉस, तो मुझे एक ग्लिच के बारे में पता था कि एक एरो मार के इसके पीछे बॉल फेंकेंगे तो ये कैप्चर हो जाएगा, तो मैंने पता नहीं क्यों ये ट्राई किया, लेकिन मुझे लगा ये कैप्चर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, तो भागो। भागते भागते ही गाइज मुझे आई थिंक से इवेंट का कैंप दिखाई दिया जहाँ पे एक मर्चेंट भी था और न्यू मिराइबोस भी था जिसको मैंने आज तक नहीं देखा हुआ था, जिनमें से एक ग्रास टाइप का बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था, लेकिन इसको एक्सचेंज करने के लिए ना कुछ प्योर कैंडीज और वो लीफी कैंडीज वगैरह लग रहे थे, तो देखो मुझे लीफी बेरीज मिले थे और कैंडी को आई थिंक से क्राफ्ट करना था अपन को, तो यहाँ से मुझे धीरे धीरे कुछ समझ में आने लग गया कि मे बी अपन को ये सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करके कैंडी बना के यहाँ से एक्सचेंज पड़ेगा मिराइबोस को। आई थिंक मैं यहाँ पे 50% सही था, लेकिन 50% कुछ बोला नहीं जा सकता कि वो कैंडी को अपन को बनाना ही है या फिर बॉस को डिफीट करके अक्वायर करना है। लेटर तुम्हारे भाई ने एब्सल सोल का यूज ढूंढ ही लिया था, तो तुम्हें टेलीपोर्टर पे वो अपग्रेड पर जाना पड़ेगा, देन यहाँ से तुम्हें ये आइकन्स पर क्लिक करना है, तो यहाँ से देख लो तुम्हारा स्पीड एंड स्टेमिना एक में बढ़ता है, एक में डिफेंस एंड क्रिटिकल हिट डैमेज का परसेंट बढ़ता है,
तो तुम्हें जिस चीज़ को भी बढ़ाना हो तुम यहाँ से उसको इंक्रीज कर सकते हो, उसके बदले तुम्हें एब सेल सोल देने पड़ेंगे। तो फिलहाल मुझे ज़रूरत था एचपी एंड वेट का, तो मैंने यहाँ से थोड़ा उसको बढ़ाया। देन मेरे को स्टैमिना भी बढ़ाना था, तो मैंने अपने यहाँ से स्टैमिना को भी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद मैंने अपने एट्रीब्यूट्स को चेक किया, तो यहाँ से इंक्रीज तो ज़रूर हुआ था। तो दैट्स नाइस, अपन ने एक चीज़ और फिगर आउट कर लिया, गुड जॉब। नेक्स्ट नाइट मैं फिर से पम्पकिन ड्रॉप के हंट पर निकल गया। फिर मुझे वहाँ पे न्यू मिराइबोस भी मिले, जिसमें से एक स्पार्टन था जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप मिराइबो था। तो मैंने इसको अपने टीम में ऐड करने के लिए ज़रूर से करेंगे इसको। तो यप, ये इलेक्ट्रिक टाइप था, और तुम्हें पता होगा तो जब गेम स्टार्ट होता है तो तुम्हें यही मिराइबो दिखता है। तो मुझे पता तो नहीं चलता कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल बात है, लेकिन मैंने इसको डैमेज देने के बाद इसको कैप्चर कर लिया। एंड यहाँ पर कुछ वॉर पप भी थे या फिर वॉर पग, ऐसा करके इनको तो कुछ बोला जाता है। तो एक को मैंने गलती से मार दिया यहाँ पे, पता नहीं क्यों मारा मैंने, लेकिन मार दिया। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे और भी सोए हुए थे, तो मैंने यहाँ से एक और स्पार्टन को जल्दी से डैमेज देके कैप्चर किया। एंड फटाफट से ये वॉर पप को भी डैमेज देना स्टार्ट कर दिया, और मुझे यहाँ पे पम्पकिन ड्रॉप्स भी मिल गए थे और ट्री भी मिल गया था बेरीज का। तो तुम्हें नहीं लगता गाइस ये लोकेशन अपने लिए ज़्यादा ही सही है? बाकी मैंने इसको डैमेज दिया, यहाँ से मैंने पम्पकिन ड्रॉप को ओपन करके एब्सोल सोल कलेक्ट किया, देन मेरा लेवल भी अप हो गया। नाइस। घर आने के बाद हमेशा काम ही करना पड़ता है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे गेम में हो। हाँ, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए ट्रिपल शॉट बो को बनाया। ट्रिपल शॉट बो बनाने के बाद मैंने रॉ मटेरियल प्रोसेसर को भी बनाया, जिसमें से अपन मेरा शॉट्स को बना सकते हैं स्टोन की हेल्प से। देन फर्नेस बनाया, फर्नेस को चलाने के लिए मुझे फायर मिराइबोस की जरूरत थी, तो मैं एक लोकेशन पर फायर मिराइबो कैप्चर करने के लिए आ गया। तो मुझे यहाँ पे एक 16 लेवल का रेड स्किंक या फिर स्किंक दिखाई दिया, जिसको मैं डैमेज देना स्टार्ट कर दिया इस उम्मीद में कि मैं इसको कैप्चर कर लूंगा, कॉज इसके पास किंडलिंग लेवल 2 है। लेकिन ये मेरा इतना ज्यादा बॉल वेस्ट किया, तुम लोग काउंट करो। मेरी इतने ज़्यादा मिराइबो बॉल्स को बर्बाद करने के बाद, और तो और मेरा मेंटल हेल्थ खराब करने के बाद, फाइनली ये हराम का पिल्ला कैप्चर हो गया। मुझे यहाँ से लेवल अप मिल गया, तो ठीक है, मैंने कहा जाने दो यार, यहाँ पे और भी पेल्स थे, तो मैं लग गया उनको कैप्चर करने के लिए। और जैसे ही मैं डैमेज दे रहा था, बाजू के बेस से भी इसके ऊपर डैमेज आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने इस पर जल्दी से बॉल फेंक दिया और उसमें ये कैप्चर हो गया। नाइस। काम का टाइम गाइस, मैंने स्टोन पिट को बनाया वापस बेस आकर, और यहाँ पर मैंने एक लॉगिंग साइट को भी बनाया, कॉज अब मैं थक चुका था वुड और स्टोन खुद से फार्म कर करके। और मैंने इसके पास में ही स्टोरेज बॉक्स को बना दिया, ताकि ये इसी में कलेक्ट करें, इधर उधर के स्टोरेज बॉक्स में कूड़ा कचड़ा ना जमा कर दें। वापस से पम्पकिन ड्रॉप हंट करते करते मैं वॉल डॉन के पास पहुंचा, जो कि एक किंग मिराइबो था। तो मेरा लेवल यहाँ पे 14 भी हो चुका था, तो मेरे अंदर इतना गट्स आ चुका था गाइस कि मुझे लगा मैं इसको डिफीट करके इसको अपने साथ कैप्चर करके लेके जा सकता हूँ। इसी उम्मीद में मैंने इसे फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने बेस में मूवी का सैडल और अपने लिए शील्ड भी बना लिया था, इसीलिए मेरे अंदर इतना ज़्यादा गट्स आया। लेकिन इससे लड़ते लड़ते भाई मेरे को समझ में आ गया था कि मैं इसको ऐसे तो इसका हेल्थ नहीं उतार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इससे फाइट किया। फाइट करने के बाद मैंने पैनिक में इस पर बॉल फेंकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे मिराइबोज ठिल रहे थे और मेरे पास ज़्यादा मिराइबोज भी नहीं बचे थे, लेकिन ये मेरे किसी भी बॉल में कैप्चर हो ही नहीं रहा था। मैं पागल हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। बट फाइनली वो दिन भी आया जब अपन इसको ये वाले बॉल में कैप्चर करने वाले थे, तो मैं छुप के इसके पीछे पहुंचा जब ये मेरे मिराइबो को मार रहा था। क्या इसने फिनिश कर दिया? और मत पूछो गाइस, इसको कैप्चर करने के लिए मैंने अपने ऑलमोस्ट ज़्यादातर मिराइबोज की कुर्बानी दी, और बॉल का तो पूछो ही मत भाई। लेकिन फाइनली इसको कैप्चर करने के बाद अपना फर्स्ट हंट मिशन कम्प्लीट हो गया। मेरा पूरा एक दिन ये बेस को शिफ्ट करने में बर्बाद चला गया, कॉज पुराने बेस के पास एक नल्ला अपना बेस बना लिया था, और मैं दूसरों के बेस के पास तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। और ये बेस का ये मेरा पहला रेड था मिराइबोस का, जिसमें से मैंने एक को कैप्चर करने में कामयाब हो गया, और मैंने दूसरे को भी कैप्चर करना चाहा, लेकिन ये कैप्चर होना नहीं चाहता था, तो अनफॉर्चुनेटली अपन को इसको किल करना पड़ा, और इसी के साथ डिफेंस सक्सीड। तो अब कैंडी बनाने का काम चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टिक कॉल्ड्रॉन को बनाया, जिसमें मैंने फिगर आउट किया कि इसमें कैंडी बन सकता है। इसके बन जाने के बाद जब मैंने इस पे चेक किया, तो अब इसमें अपना कैंडी बन रहा था। और कैंडी बनाने के लिए अपन को एक स्टिक की भी जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ मेरे पास इस टाइम पे एक ही था। तो मैंने सबसे पहले प्योर कैंडी को बनाया। कैंडी के बन जाने के बाद मैं भागा ये मर्चेंट के पास आया, और यहाँ आने के बाद मुझे दिखाई दिया कि मेरे पास जब कैंडी था नहीं, तो इनके लिए एक कैंडीज लग रहे थे, और जब मेरे पास कैंडी आ गया तो इनके लिए 5 और 3-3 कैंडीज। आखिर क्यों चाहिए?
अगली सुबह मुझे नल्लो के कैंप्स में ये मिराइबो दिखाई दिया, जिसको मैंने सोचा कि ये इवेंट का मिराइबो हो सकता है, इसलिए मैंने इनसे बैटल करना स्टार्ट कर दिया। और ऑब्वियसली बैटल के बाद तो तुम्हारे भाई को ही जीतना था, तो अब तुम्हारा भाई जीत गया। जीतने के बाद मैंने इस नल्ले को इस केज से फ्री किया और ये अपने मिराइबो बॉक्स में पहुंच गया। अब मुझे बेटर वेपन्स की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ से क्रॉसबो को ओपन किया एंड आर्मर के लिए मुझे 19 लेवल करना था। तो लेवल अप करने के लिए न्यू मिराइबोस को कैप्चर करने से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं पहुंच गया न्यू लोकेशन पर और यहाँ पर मुझे बैरिगॉन दिखाई दिया, तो इसको डैमेज देने के बाद मैंने इसको सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। इसको कैप्चर करने के बाद मुझे पास में ही एक ग्लिटर करके बी दिखाई दी, जिसको भी मैंने डैमेज देने के बाद मिराइबो बॉल के अंदर कैप्चर कर लिया गया। अब गाइस नॉर्मल मिराइबोस से मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो मुझे जरूरत थी बॉस मिराइबोस को कैप्चर करने के लिए। तो मैं सबसे पहले फीवी के पास पहुंचा। और तुम्हें क्या लगता है, इसे डैमेज देना डिफिकल्ट है ना? इसे डैमेज देने के बाद मैंने इसको कैप्चर किया एंड उसी के साथ अपना लेवल 19 भी हो गया। मर्चेंट का चक्कर लगाते हुए फाइनली मुझे उसके पास एक काम का मिराइबो दिखाई दिया, जिसके लिए मैंने वाटर कैंडी को बनाकर जब मैं उसके पास पहुंचा मुझे पता चला अपना मिराइबो वहां से रीसेट हो गया था। अपने किस्मत ने अपन को फिर एक बार धोखा दिया। तो बेस आने के बाद मैंने अपने लिए हीट रेजिस्टेंस आर्मर को फाइनली बनाना चालू कर दिया। बनाने के बाद मैंने जो अपन ने मिराइबो कैप्चर किया था वो अपन को रेंच के अंदर से कॉइन देता, तो मैंने उसके लिए रेंच बनाया। रेंच बनाने के बाद मैंने मेडिसिन वर्क बेंच को भी बनाया। उसके बाद मेरा टर्मिनल अपग्रेड हो रहा था, मैंने उसको 9 लेवल पे अपग्रेड कर दिया। बेस का काम कम्प्लीट करने के बाद मैं आ चुका था डंजन में एक्सपीरियंस का भूखा एम्बर स्लाइम को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मैं 90 लेवल का था और ये बॉस भी 90 लेवल का था। तो मैंने सबसे पहले इसको एक डैमेज देके बॉल फेंक के कैप्चर करने की कोशिश किया, लेकिन मुझसे ऐसे कैप्चर होते ही नहीं है, तो मुझसे इसे फाइट करना पड़ा। और फाइट करते करते मुझे पता चल गया कि 19 लेवल होने के बावजूद अपन 19 लेवल के बॉस को कैप्चर करने में अपन को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, अपन इसको डैमेज दे नहीं पा रहे थे। मेरा वो वॉल डॉन ठिल गया और जैसे तैसे मैंने इसे फाइट करने के बाद लो किया और लो करने के बाद फाइनली इसके पीछे जाकर बॉल मैंने फेंका, जिसमें ये कैप्चर हो गया और अपन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला इसे कैप्चर करने पर। नेक्स्ट टाइम मुझे अचीवमेंट से कुछ बुक्स मिल रहे थे, तो मैंने उसका यूज ढूंढा और एक एक्सपर्टीज में मुझे बॉस एक्सपर्टीज करके एक ऑप्शन मिला, जिसको इंक्रीज करने पर अपना बॉस कैप्चर रेट इंक्रीज होता है, तो उसको मैंने मैक्स कर दिया। और ये देखो उसके साथ अपना बॉस कैप्चर रेट इंक्रीज भी हो गया, बिकॉज मेरे पास इनफ बुक था, तो मैंने उसको पूरा मैक्स कर दिया। लेकिन ये टर्न हो गया तो मुझे इसे फाइट करना पड़ा, तो फाइट करने के बाद में ये मेरे मिराइबोस को मारे जा रहा था, तो मैंने जल्दी से इसके पीछे जाकर इस पर बॉल मैंने फेंका और वो जो अपन ने इंक्रीज किया था वो डेफिनेटली वर्क कर रहा था। इसी के साथ अपन ने इसको भी कैप्चर किया। अब उसे इतने इजीली कैप्चर होते हुए देख मैं सीधा कोरोला के पास आ गया, जो कि 32 लेवल की बॉस थी, और मैंने इसको कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन ये कैप्चर हुई नहीं। उसके बाद क्या था, इसने एक के बाद एक मेरे मिराइबोस को मारना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद इसको कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन ये कैप्चर हुई नहीं। और मेरे पास इस टाइम पे इसको डैमेज देने के लिए कोई खास मिराइबो था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि यहाँ से फॉल बैक कर लेना चाहिए। फिर मैंने सोचा हाई लेवल को तो ना सही, लेकिन अपने लेवल के आसपास को तो कैप्चर कर सकते हैं। तो यही सोचकर मैं ये मार्स क्रीपर के पास पहुंचा, जो कि 20 लेवल का था, और अपन ने इसको बिना डैमेज दिए कैप्चर कर लिया। उसके बाद मैं ग्लिटर के पास पहुंचा, जो कि 22 लेवल की थी, तो इसको भी मैंने बिना डैमेज दिए कैप्चर कर लिया। देन नाइट टाइम में मुझे ये मर्चेंट के पास में ये गोलेम करके मिराइबो दिखाई दिया, जो कि प्योर कैंडी ले रहा था और मेरे पास था अभी, तो मैंने एक्सचेंज कर लिया इसको। देन मैं सीधे पहुंचा अपने फर्स्ट टावर बॉस को चैलेंज करने के लिए, जो कि 14 लेवल का वॉल्ट्रोसॉर करके था, और मुझे जरा भी नहीं पता था कि वो था क्या और किस टाइप का था। तभी मेरे सामने वॉल्ट्रोसॉर आया और भाई ये बहुत ज्यादा दिखने में तबाही था यार। इसी के साथ अपना बैटल स्टार्ट होता है और ये अपन पे अटैक तो नहीं कर रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों था। आई थिंक इसने अपन को पहले अटैक करने का चांस दिया, तो मैंने पॉइजन बो मारा और इसको पॉइजन इफेक्ट भी बहुत जल्दी लग गया था, और इसको देखकर मुझे ये रॉक टाइप का लग रहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। एंड इसके अटैक को देखने के बाद भी ये रॉक टाइप का ही लग रहा था, तो मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता रहा कि इससे अपन को वाटर टाइप एंड ग्रास टाइप को फाइट कराना है, लेकिन मेरे पास ग्रास टाइप था नहीं, दो वाटर टाइप थे, तो मैंने इन दोनों को ही फाइट किया इससे। एंड फाइट बहुत ज्यादा अच्छे से जा रहा था और ये मेरे को डैमेज जरा भी नहीं दे पा रहा था, और उसका हेल्थ देखो अपन कितने स्पीड से उसका हेल्थ उतारते जा रहे थे। लेकिन जो भी हो, इसने मेरे पे अटैक चालू कर दिया और मैं इसके अटैक में भी आ गया। इसने मेरा थोड़ा बहुत HP डाउन कर दिया, लेकिन ना तुम्हारा भाई ऐसे ठिलने वालों में से थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी ये मेरे को मारता रहा और मैं इसको मारता रहा, और उसी के साथ मैंने अपने लिए
क्या बोलते हैं क्रॉस फायर क्रॉस बो एंड पॉइजन क्रॉस बो दोनों को बनाकर लेके आ गया था, क्योंकि मैंने पॉइजन क्रॉस बो का एरो परचेस किया था मर्चेंट से, तो इसलिए मुझे बनाना नहीं पड़ा। और इन्हीं दोनों बो और अपने दोनों मिराइबोस के साथ फाइट करते करते एक टाइम में अपन ने इसको लो कर दिया बहुत ज्यादा। एंड सीरियसली गाइस, इसको डिफीट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसी के साथ अपन ने इसको डिफीट कर दिया, अपना चैलेंज सक्सेसफुली हो गया, एक्सपी भी भर के मिला और यहाँ पे अपन सेलिब्रेट करने लग गए। वापस मुझे टावर के ऊपर स्पॉन किया गया था, तो मैं नीचे आया और नीचे आते आते यहाँ पे चिल ब्लेड मेरे सामने था, तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर करना चाहिए। तो मैं इसके पीछे पहुँच कर इस पर बॉल मैंने फेंका, लेकिन इसने बॉल ब्लॉक कर दिया पता नहीं क्यों, तो मेरे को इससे फाइट करना पड़ा। थोड़ा सा इसका एचपी लो करने के बाद मैंने इसके पीछे में एक बॉल फेंक दिया मिराइबो बॉल को, तो उसमें ये कैप्चर हो गया और उसी के साथ अपना लेवल भी 25 हो गया। उसी के साथ मुझे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, मैं एक के बाद एक डंजन बॉस और नॉर्मल बॉस को जो मेरे वर्ल्ड में स्पॉन थे और जो मेरे लेवल के आसपास थे, मैं उनको डैमेज देके उनको कैप्चर करता गया। एंड फाइनली मुझे एक फ्लाइंग मिराइबो दिखाई दिया ये मर्चेंट के पास, जो कि एक वाटर कैंडी में एक्सचेंज हो रहा था, तो मैंने इस उम्मीद में इसको एक्सचेंज कर लिया कि अपन फाइनली फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके सैडल के लिए अपन को 34 लेवल चाहिए था और अपना लेवल 27 था इस टाइम पे। अब मैंने अपने ग्रास वाले बायोम के ऑलमोस्ट हर एक बॉस को कैप्चर कर रखा था जो मेरे लेवल के आसपास थे, और मैंने उसको पूरा एक्सप्लोर भी कर लिया था, तो मैं डेजर्ट वाले एरिया पर आ गया। कॉज आइस वाले एरिया पर जाने के लिए मुझे फ्लाइंग माउंट चाहिए ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आने के लिए फ्लाइंग की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे मुझे कुछ न्यू मिराइबोस दिखाई दिया, लेकिन इनका लेवल बहुत ज्यादा था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, 41-42 लेवल्स के पैल थे, और ये मेरे को देखकर ही मेरे पे अटैक कर रहे थे, तो मैंने इनसे पंगा लेना सही नहीं समझा और मैं एक्सप्लोर करता गया। पम्पकिन हार्वेस्ट नाइट भी आ गया था, तो मैं पम्पकिन ढूंढता गया और मैंने इनमें से एक मिराइबो को कैप्चर करने का ट्राई किया इसके पीछे बॉल फेंक कर, लेकिन 42 लेवल के होने के बाद इसका 9% पर ही अटक गया और कैप्चर नहीं हुआ, तो मैं भग गया यहाँ से। तभी मुझे अपना पहला पहला मिराइबो एग मिला, जो कि ह्यूज वाला था और आई थिंक ये फायर टाइप का था, तो मैंने इसको पिक कर लिया और यहीं पे मुझे 42 लेवल का क्रस्ट शॉकर नेम का बॉस दिखाई दिया, जिसको कैप्चर करना अभी अपने बस में तो नहीं था, तो मैं बस पम्पकिन ड्रॉप ही ओपन करता रहा। और उसके साथ मैं ऐसे मिराइबोस को ढूंढ रहा था जो ग्रुप में ना हो, सिर्फ अकेला हो, जिसको मैं डैमेज देकर कैप्चर कर पाऊं, और मुझे ऐसा मिराइबो मिला भी। ये वॉल्ट बैजर नल्ला यहाँ पे अकेले सो रहा था, इसके हाई लेवल के होने के बावजूद मैंने इसे फाइट किया और इसके लिए मैंने अपने टर्कास्टर की हेल्प लिया, जो कि एक ग्राउंड टाइप का मिराइबो है और ग्राउंड टाइप ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक टाइप पर भारी पड़ते हैं, तो मैंने इसको डैमेज दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनके हाई लेवल के होने के बावजूद इनको डैमेज देना उतना डिफिकल्ट था नहीं, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। वापस जाने के बाद मुझे यहाँ पर भी एक फ्लाइंग मिराइबो दिखाई दिया जो कि इलेक्ट्रिक टाइप का था और उसका लेवल मुझे पता नहीं था, लेकिन उसके पास में ये फायर वाला भी सो रहा था, इसका लेवल 42 था, तो मैंने सोचा कि अपने पास फायर मिराइबो अपने टीम में बिल्कुल भी कोई स्ट्रॉन्ग वाला था नहीं, तो मैंने इसी को कैप्चर करने के बारे में सोचा, क्योंकि अपन ने वो वॉल्ट बैजर को कैच किया था ना, उसका लेवल ज्यादा था, लेकिन अपन ने उसको डैमेज देके कैप्चर कर लिया, लेकिन इसको कैप्चर करना मुश्किल था, इसका लेवल ज्यादा था तो इसका कैप्चर रेट ज्यादा जा नहीं पा रहा था, और यहाँ पे मेरा गेम भी ग्लिच हो रहा था, जब भी मैं जंप करता मैं एक सेकंड के लिए स्टक हो जाता, चल ही नहीं पाता था, तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ भी होने लग गया। और मैंने इसको फिर भी कैप्चर करने का अपना पूरा ट्राई किया, लेकिन जैसे ही मैं इसके पीछे जाने के लिए जंप करता ये रुक जाता, उतने में ये मेरे साइड आके अपना सिर घुमा देता और ये कैप्चर नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया इसके पीछे जाने के लिए, लेकिन अपने मिराइबो ने इसको एट द एंड मार ही दिया। अब ये ठिल गया तो ठिल गया। यहाँ पे मैंने फ्लाइंग को भी कैप्चर करने के लिए इसको डैमेज देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक टाइप होने के बावजूद मेरे ग्राउंड टाइप मिराइबो को एक शॉट में मार दिया भाई, इससे फाइट करना डिफिकल्ट था, और यहाँ पे लिटरली ग्लिच कर रहा था मेरा गेम। उसी टाइम पे इसने मेरे पे लॉक ऑन लेजर चला दिया, लेकिन उससे मैं बच तो गया, और जब भी मैं लिटरली जंप करता तो एक सेकंड के लिए स्टक हो जाता, इससे अपने लिए और परेशानी बढ़े जा रहा था, और इसने मेरे पे एक अटैक चलाया तभी, और मेरा शील्ड के साथ मेरा एचपी भी गया, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ठेलना नहीं चाहता था, तो मैं थोड़ा सा पीछे हटा, कॉज अगर मैं यहाँ पे ठेल गया ना तो मैं वापस आऊंगा तो मेरे को एक्सट्रीम हीट लगेगा, तो ये नहीं चाहता, और मेरा सारा सामान यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, और ये भी मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं इससे थोड़ा दूर आया, और उसने अपने मिराइबो ने उसको डैमेज दिया,
फिर मैंने इस पे बॉल फेंका, लेकिन इसका परसेंट भी 7-8% ही हो रहा था और इसने मेरे मिराइबो को मार दिया। तो मैंने चिल ब्लेड को भेजा, तो चिल ब्लेड ने इसको पूरा ही मार दिया। हाँ, अपना उड़ने का सपना सपना ही रह गया। अनफॉर्चुनेटली अभी अपन उतने हाई लेवल के मिराइबोस को तो कैच नहीं कर सकते, तो बेस आने के बाद मैंने एग इंक्यूबेटर को बनाया, जो अपन को एग वहां से मिला था उसको हैच करने के लिए। और जब भी मैंने इसको इंसर्ट किया, मुझे इसमें दिखाई दिया 47 आवर्स में ये हैच हो रहा था। और मेरे पास कुछ पोशंस वगैरह थे, तो उसका यूज करके इसका टाइम मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता था, लेकिन जितना मेरे पास था उससे मैंने डिक्रीज किया, लेकिन फिर भी 35 आवर्स लगेंगे अपन को हैच करने के लिए। अंडे को इंक्यूबेटर में रखने के बाद मैं वापस से आ गया डेजर्ट बायोम में ये नल्लो को कैप्चर करने के लिए, कॉज ये थे न्यू मिराइबोस जिसको मैंने एक बार कैप्चर नहीं किया था। तो यार एक्स्ट्रा एक्सपी थोड़ी देर के बैटल के बाद मैंने इसको लो किया। लो करने के बाद मैंने इस पे बॉल फेंक दिया और इसके अंदर ये नल्ला कैप्चर हो गया। इसको डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद गाइस मुझे ये फ्लाइंग पहल दिखाई दिया वाइंड रिवर करके, और इस बार ही मैं इसको कैप्चर करके लेके जाऊंगा चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि वो भी कैसा स्काई जो कि फ्लाई ही ना कर पाए। देन मैंने इस पे बॉल फेंक दिया लो करने के बाद, और एक ही बॉल के अंदर अपना फ्लाइंग वाइंड रिवर कैप्चर हो गया। कैप्चर होने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, देन सुबह हो गया तो मैं और न्यू मिराइबोस को कैप्चर करने में लग गया, कॉज न्यू मिराइबोस इक्वल्स टू बंच ऑफ एक्सपीज। लेकिन मेरा लेवल लो था, इसके कारण मेरे को इनको कैच करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा था, लेकिन इस बारी मैंने इसके पीछे में जाकर बॉल फेंका जिसमें ये कैप्चर हो गया। नाइस। बेस आने के बाद मैंने अपने फ्लाइंग पैल का फटाक से सैडल को ओपन किया, देन तुरंत मैं भाग गया इसको बनाने के लिए। और जब मैं जा रहा था मैंने इसके सैडल को ओपन करके देखा ये टेबल पर, तो मुझे पता चला इसके लिए अपन को फैब्रिक का कमी पड़ गया। वाह, फैब्रिक भी कोई कम पड़ने वाली चीज है। तो मैं फटाक से फैब्रिक बनाने के लिए लग गया, और फैब्रिक बनाने का स्पीड देखना गाइस, मैंने इसमें वर्किंग स्पीड को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया था कि मैं पैल वर्ल्ड के अनूबिस के स्पीड को यहाँ पर मैच कर रहा था। और इसी के साथ अपना फैब्रिक 2 सेकंड में बनके रेडी हो गया। देन मैंने सैडल को फटाक से बनाया, एंड डैम इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। फाइनली सैडल के बन जाने के बाद वी आर दैट स्काई हु कैन एक्चुअली फ्लाई। व्हाट? I know my English is bad, but it's not a big deal, cause अपन finally उड़ तो पा रहे थे और मजा आ रहा था। फिर मैं अपने नए नवेले मिराइबो को लेकर ये कोरोला के पास फिर से आ गया, जो कि 32 लेवल की बॉस थी। और तुम्हें याद होगा तो पिछले टाइम इसने अपन को इतना मारा था कि अपन को इससे फॉल बैक करना पड़ गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था गाइस। तुम्हारा भाई भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन कर लिया था, एंड उसका लेवल भी ज्यादा हो चुका था, एंड तुम्हारा भाई प्रो भी हो चुका था। तो मैं बिना डरे फाइट स्टार्ट कर दिया। वैसे ये मेरे फेस पर बैठना चाहती थी, लेकिन ना 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 ना, मैं तो थोड़ी देर के फाइट के बाद इसको गाइस बहुत ज्यादा लो कर दिया, एंड उसको मारते मारते यार ये पता नहीं ये फायर वाला क्यों मेरे पे एग्रो हो गया था। लेकिन उसको मारने के बाद मैंने इसके पीछे आकर इसमें बॉल फेंक दिया, उसमें ये कैप्चर हो गई। उसके साथ अपना लेवल 29 भी हो गया। अब नाइट में मैं ये हेवन विवरिन के पास आया, इसका नेम हेवन वर्म है ऐसे, लेकिन मेरे को विवरिन बोलना ज्यादा पसंद है। बाकी मैंने इसे फाइट किया, इस पे अटैक किया, लेकिन अटैक पड़ने के बाद ये कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा ये। लेकिन पता नहीं ये क्या कर रहा था, थोड़े टाइम के लिए इसने कुछ रिएक्शन दिया, मुझे लगा ये अटैक करेगा, लेकिन ना वो फिर से सो गया। और ये पानी में अपना सिर देके कैसे सो रहा है, पेट ऊपर कर रहा है, देख रहे हो। अब मैं पास गया इसके, उसके बाद मैंने इस पे डायरेक्ट बॉल फेंक दिया, क्योंकि ये फाइट तो कर नहीं रहा था। और सरप्राइजिंगली ये एक ही बॉल में कैप्चर हो गया। व्हाट द हेक, मैं खुद यहाँ पे सरप्राइज हो गया था, बट नॉट दैट बैड, एटलीस्ट अपन के पास बॉस तो आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं डंजन के बॉस को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से पहले थी क्लेसियेरा, एंड ये एक म्यूटू टाइप दिखने वाली पैल थी, एंड आई थिंक ये फीमेल भी होते हैं मेल भी होते हैं पता नहीं, लेकिन दिखने में तो ये फीमेल टाइप है, इसलिए मैं इसके पास आया, कॉज आई लव लेडीज। तो गाइस मैंने इसको लो किया, इसके पीछे आके मैंने बॉल फेंक दिया। ऐसा ही किया करो, क्योंकि पीछे में बॉल फेंकोगे तो कैप्चर रेट ज्यादा होता है। और इसी के साथ मैंने इसको कैप्चर करके अपना लेवल 30 कर लिया। लेवल 30 हो जाने के बाद मैंने अपनी आन्या के लिए नेक्स्ट लेवल का ड्रेस बना दिया, जो कि पिछले वाले से भी बेटर आर्मर प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तुम लोग डिनाई नहीं कर सकते। सेज प्रेडी गाइस। देन नेक्स्ट मैंने वेपन फैक्ट्री को बनाया, जिसके अंदर से फाइनली अब अपन अपनी गन को भी बना सकते थे। और ये बनाने के लिए मेरे को बस मेटल बार्स चाहिए थे, तो मैं लग गया कलेक्ट करने में। उसके पिघलते तक गाइज मैं नेक्स्ट डंजन बॉस को क्लियर करना चालू कर दिया। यहाँ तक मैं ऑलमोस्ट हर एक डंजन बॉस एंड बॉस को क्लियर कर चुका था, बाकी नल्लो को मैंने नहीं दिखाया तुम्हें। उसके बाद लास्ट इस बायोम का ये बच रहा था 36 लेवल का टेरा राइनो, जिसको गाइज अपन चैलेंज करने के लिए आ गए, एंड तुम्हारा भाई बिना डरे इससे फाइट करता रहा।
उसने भी मेरे को डैमेज दिया, पर उसका डैमेज मेरे को शो नहीं हो रहा था, तो मैं पता नहीं चल रहा था कि वो अटैक कौन सा मार रहा है। इसीलिए उससे बचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर अटैक कर रहा था। देख रहे हो मेरे वाइंड रिवर का हेल्थ एक ही अटैक में कर दिया। लेकिन तुम्हारा भाई लेके आ चुका था पॉइजन क्रॉस बो, उससे उसको बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज पड़ रहा था, एंड इफेक्ट का तुम लोग देख सकते हो। मैं ट्राई कर रहा था कि इसको बर्निंग डैमेज भी पड़े, लेकिन वो वाला क्रॉस बो कुछ खास काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं स्टक था पॉइजन के साथ में। फिर तभी जब मैं इसका HP हाफ करने ही वाला था, तब इसने मेरे पेल्स को मारना स्टार्ट कर दिया, और मैं भाई पेल स्विच कर करके मिराइबोस को स्विच कर करके इससे फाइट करता रहा जैसे तैसे। एंड इसे डिफीट करने के लिए मेरे पास एक भी फायर मिराइबो नहीं था गाइस, कोई भी पावरफुल वाला नहीं था। मैं डेजर्ट बायोम में उसको कैप्चर करने का ट्राई किया था, लेकिन वो कैप्चर हुआ ही नहीं था। उसके बाद मैंने इस पे बॉल फेंक के दिखा, लेकिन 61% कैच रेट के साथ में भी ये कैप्चर नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा और डैमेज देने की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने ड्रैगन को भेज दिया, जिसको अपन ने नया टेम करके लेके आए थे, और वो जैसे अपने से कैच हुआ वैसे इससे भी ठिल गया। किसी काम का नहीं निकला वो ड्रैगन, इसकी भैंस का लगड़ा। लास्ट मेरा चिल ब्लेड ही बचा हुआ था, तो जा भाई तू ही कुछ कर सकता है, जा तू कैसे भी उसको डैमेज दे, उसका ध्यान बटा, मुझे नहीं पता तू कैसे भी करके उसका HP लो कर दे। मैं यही बोल रहा था पूरे बैटल के टाइम में। एंड मैं जब चिल ब्लेड फाइट कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था उसके पीछे जाने की, एंड चिल ब्लेड ने इसको जमा दिया। वहीं मैं पीछे आया, देन फटाक से मैंने इस पे एक मिराइबो बॉल फेंक दिया, एंड इसके साथ इस बार ही अपना टेरराइनो कैप्चर हो गया, और गाइज अपना लेवल 31 हो गया। दैट मींस अपन आइस आर्मर को भी बना सकते थे। फाइनली बेस आने के बाद एग हैच हो गया था, तो मैं इसको हैच करना स्टार्ट कर दिया, देन इसमें से फी भी मिला। आर यू सीरियस? एंड मैं फाइनली अब इसको कैप्चर करने वाला था अपने टेरराइनो के साथ में, कॉज वो वाले फ्लायर से मैं बोर हो गया था, वो बहुत ज़्यादा स्लो था, वीक था, और उसका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा ख़त्म था। तो मैंने इसके पीछे में आके इस पे बॉल डाल दिया, और बहुत कम चांस के बावजूद भी मैंने उसको कैप्चर कर लिया। अब टाइम था गाइज आइस आर्मर को भी बनाने का, तो मैंने मैक्स वाला आइस आर्मर को बना दिया, देन अपना एक गन भी बना लिया, और ये सारे के लिए अभी सामान चाहिए था, तो अब मैं कलेक्ट करता हूँ पहले। The next day. Equipments के बन जाने के बाद मैं आ गया आइस वाले एरिया में, और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे आइस मेरे को मिराइबोस दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पे ग्लेशियरा भी थी। तो मैं इन नज़ारों का मजा लेते लेते टेलीपोर्टर के पास जाने लगा, तभी मेरे अंदर पता नहीं क्या चुल मचा, मैं इनको देखने के लिए इनके पास गया, तभी ये मेरे पर एग्रो हो गए। देन मैंने भी सोचा इन पे अटैक करके इनको कैप्चर करना चाहिए, लेकिन उसने एक हिट में ही मेरे फ्लायर को फिनिश कर दिया, एंड आई एम स्टक इन दैट कोल्ड बायोम विदाउट अ फ्लायर। अब फ्लायर तो था नहीं, तो मैं भटकता भटकता टेलीपोर्टर ढूंढ रहा था, जहाँ पे मुझे ये पपी टाइप कुछ क्रीचर दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेना चाहिए, लेकिन इसका लेवल बहुत ज़्यादा था हमेशा की तरह क्यों, और ये कैप्चर नहीं हो रहा था। मैंने इसका हेल्थ इतना ज़्यादा लो किया, और मैंने इस पे बॉल फेंकता गया गाइस, ये कैप्चर हो ही नहीं रहा था, और मैंने एक लास्ट बॉल ट्राई किया, लेकिन ये कैप्चर नहीं हुआ, तो मेरे को गुस्सा आ गया, और मैंने इसको मार दिया, इसकी भैंस का लकड़ा ले हो जा कैप्चर। नेक्स्ट डे मैं एक्सप्लोर करते करते अपना फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंचा, जो कि पेल वर्ल्ड में होता है, वैसी सेम लोकेशन ये भी था। पता नहीं इसको इसमें बोलते क्या है, लेकिन यहाँ पे बॉस मिराइबोस थे बहुत सारे, और मेरे को चारिज़ार्ड वाला मिराइबो दिखाई दिया फाइनली। चलो अब मुझे ये तो चाहिए था, तो मैं इसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तभी मेरा फ्लायर फिर मर गया। बताओ, फिर मैंने टेरराइनो के साथ इसे जैसे तैसे ऊपर में चढ़कर फाइट किया, लेकिन मैंने जब अपने ड्रैगन को इसको थोड़ा डैमेज देने के लिए भेजा, तो इस नल्ले ने इसको पूरा फिनिश कर दिया। कैसे, जबकि मैं इससे लो लेवल का था, इसने क्यों फिनिश किया साले, मैंने इसको कैप्चर भी नहीं कर पाया। दूसरी सुबह दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें मुझे एक बीस्ट वाला मिराइबो दिखाई दिया, जिसको मैं कैप्चर करने के लिए जा ही रहा था, तभी मैंने इसका लेवल 53 देखा, और मैं पहले फुर्सत में यहाँ से निकल गया। अब न्यू बायोम के एक्सप्लोरेशन टाइम में मुझे ये वाला बायोम भी दिखा, जहाँ पे ये अरोरा बॉस था, तो मैं लग गया इसको कैप्चर करने के लिए, तभी ये कुत्ता भी मेरे पे एग्रो हो गया। ये पता नहीं मोटा भैंसा था, पता नहीं यार ये क्या मिराइबो था, ये कुछ काम भी आता है ये नल्ला। ओके, उसने मेरे ड्रैगन को मार ही दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस गेम प्ले में भी, तभी मैंने टेरराइनो को स्विच किया, और पीछे से मेरे को ये इलेक्ट्रिक वाला पाल मार रहा था, देख रहे हो इलेक्ट्रिक वाला नल्ला, मैंने इसको क्या किया ये मेरे को मार रहा है। जैसे तैसे मैंने उससे बचा गाइस, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे मिराइबोस ठिल चुके थे, अभी मेरा सिर्फ वो इलेक्ट्रिक वाला हेजहॉग ही बचा हुआ था, तो उसने इसको डैमेज दिया। मैंने इसके पीछे में बॉल फेंक दिया, और हाँ लकीली इतने हेल्थ के साथ में ये कैप्चर हो गया, नाइस। 75 years later. अब गाइस मुझे यहाँ पे लेना था एक फैसला, तो मैंने ज्यादातर बायोम एक्सप्लोर किया, एंड अपने फर्स्ट ग्रास बायोम को मैंने पूरा कम्प्लीट
कर दिया हर एक बॉस को कैप्चर करके। देन ये सारे बायोम्स में मुझे अभी तक इवेंट के कोई भी न्यू मिराइबोज नहीं दिखाई दिए थे, ना ही कोई बॉस मिराइबो का लोकेशन मेरे को दिखाई दिया था, ना ही कुछ ऐसा कुछ खास अरीना मेरे को दिखाई दिया था। एंड मर्चेंट्स भी इवेंट वाले मिराइबो सेल नहीं कर रहे थे, तो अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खेल सकता था कॉज ये मेरा पूरा सोलो गेम प्ले का एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा था और वैसे भी ये वर्ल्ड डिलीट होने वाला था, तो इस पे ज़्यादा कुछ मेहनत करने का था नहीं। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि अभी अपन को अपने जनरी का रैपअप जल्दी से करना पड़ेगा, कॉज अगर अपन ने वो मिराइबो ढूंढ भी लिया तो उसको अपन को सोलो वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को अभी मिराइबो मिला नहीं था तो मैं क्यों करूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रैगन ढूंढ लिया था, देख लो 38 लेवल का, जिसका आइस विंग नेम था, तो उसको अपन कैप्चर करेंगे। देन अपन ये लास्ट बॉस फाइट के लिए जो मेरे को सेकंड टावर दिखाई दिया, ये देखो 37 लेवल का, वहाँ पे मेरा फाइट करने का प्लान था, तो इसी के साथ मैं ऐसे लग गया फाइट करने के लिए ये ड्रैगन को कैप्चर करने के लिए। अपने आइस विंग को अपना नहीं था ये, लेकिन जल्दी ही मैं इसको अपना बनाने वाला था, तो मैं इस पर अटैक कर रहा था। और ये एक गलत बात है कि जब अपन दूर रहते हैं, अपने मिराइबो दूर रहते हैं, तो वो उस पर अटैक क्यों नहीं करते, और वो अपने मिराइबो पे स्टिल अटैक कर रहा था, उसका अटैक आ भी रहा था। तो मैंने उससे जैसे तैसे फाइट किया, थोड़ी देर उसका एचपी डाउन किया, देन मैंने अपने साइलेंसर को भेज दिया। एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन था, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन जैसे तैसे अपन फाइट करते रहे इससे और मेरा साइलेंसर यहाँ पे ठिल गया। तो मेरे को स्विच करना था और मैंने ड्रैगन टाइप को स्विच किया, पता नहीं क्यों इसका एचपी हाफ करने के बाद मैंने इस पे बॉल फेंकना चालू कर दिया, कॉज अब इतने एचपी में तो ये कैप्चर हो जाना चाहिए था। तो मैंने परफेक्ट पीछे में बॉल फेंका, लेकिन उसने इसको ब्लॉक कर दिया पता नहीं क्यों, एंड ये कैप्चर भी नहीं हो रहा था और ये मेरे को बार बार फ्रीज कर रहा था। इसी के साथ मेरा ये अरोरा भी ठिलने ही वाला था, तो मैंने उसको वापस बुलाया। देन मैंने अपने ये इसको भेज दिया अपने लास्ट बचे हुए फ्लायर को, और ये ठिलता तो मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए कोई भी साथ डाइनो नहीं है मेरे पास, मिराइबो नहीं है। और तभी इसका एचपी बहुत तेज़ी से ड्रेन हुआ, तभी मैं यहाँ से जंप किया उसके पीछे में बॉल फेंकने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कैसे तो ग्लिच हो गया एंड मेरा फ्लायर भी ठिल गया था। मैं उसको बचाना चाहता था, लेकिन यार गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर क्या था, मैं बस इस पर बॉल फेंकना स्टार्ट कर दिया। एंड तभी पता नहीं कैसे मैं जब इस पर बॉल फेंकने के लिए गया, इसका अटैक मेरे को डैमेज दे दिया। एंड मेरा हेल्थ देखना, अभी देखना इसका एक और अटैक मेरे पे पड़ेगा, देन मैं फिनिश। व्हाट द हेक, मेरा लिटरली एचपी देखो बहुत कम बचा हुआ था इस टाइम पे, भाई बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था गाइज। मैं ठिलना नहीं चाहता था, मेरा सारा सामान यहाँ पे ड्रॉप हो जाता अगर मैं ठिलता, इसीलिए मैं जल्दी से इस पे बॉल स्पैम करता गया एंड उसके अटैक से भी बच गया, बाल बाल बचा और स्पैम करता गया गाइज, करता गया। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, मेरे सारे फ्लायर्स, मेरे सारे मिराइबो छिल गए थे। एंड मैंने अपने उस मिराइबो को लास्ट बचा हुआ उसको छोड़ दिया था कि उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये वाले बॉल में कैप्चर हो गया। भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसको कैप्चर करने के बाद। बेस आने के बाद मैं लास्ट फाइट के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दिया, जिसके लिए मैंने असेंबली लाइन को बनाया, वर्क असेंबली लाइन को, जिसमें से ये मैक्स वाला शील्ड बन रहा था, तो अब इसे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। शील्ड के बाद अब मेरे को गन के एमओ की जरूरत थी, जिसके लिए मेरे को सल्फर पाउडर चाहिए था, तो मैं उसको लेने के लिए ये डेजर्ट बायो में आके कलेक्ट करना चालू कर दिया और ढेर सारा कलेक्ट किया। सारी चीजों के बन जाने के बाद मैं डायरेक्ट टावर पे आ गया और ये मेरा लास्ट बैटल फर्स्ट ट्राई में होने वाला था, भले ही मैं हारूं या जीतूं। इसी के साथ मैं अंदर गया एंड अंदर आते मुझे पता चला कि इसमें अपन को दो मिराइबो के साथ फाइट करना पड़ेगा। व्हाट, लेकिन जो भी हो, इसमें की लेडी तो बहुत ज्यादा हॉट थी, आई लाइक इट। मुझे सच में नहीं पता था गाइस इसमें दो मिराइबो के साथ अपन को फाइट करना पड़ेगा, और ये पैल वर्ल्ड के नेक्रोजमा एंड पैलेडियस टाइप बोलते हैं शायद से, उनका भी ट्विन मतलब जोड़ी ही रहता है, तो ऐसा ही था। और ये मेरे पे अटैक नहीं कर रहे थे, मैंने एक के ऊपर अटैक किया इस होप में कि पहले एक से फाइट करना चाहिए, शायद से ऐसा हो, लेकिन जब मैंने इस पे अटैक किया, भाई दोनों मेरे पे अटैक करने आ गए थे और मैं कुछ नहीं कर सकता था गाइज। अब मैं आ गया था बैटल में, ये मेरा लास्ट बैटल होने वाला था और फर्स्ट टाइम है, भले ही मैं हारूं या जीतूं। और उस पे अटैक करने के बाद मेरे को पता चल गया था कि मैं इनको डिफीट नहीं कर सकता हूँ, उनको डैमेज ही नहीं पड़ रहा है धात तरीका। ओके, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा 100 डे ऐसे फिनिश होने वाला है। बाकी अब कुछ भी नहीं कर सकते गाइज, ये इवेंट ही बकवास है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। ना ही मुझे कोई न्यू मिराइबोस दिखाई दिया यार, ना ही कोई भी बॉस नहीं दिखाई दिया, ये क्या है, मतलब इवेंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये देखो, और इसी के साथ इसने मेरे को मारना चालू कर दिया और लॉक ऑन लेजर चला रहे थे, और भाई इन्होंने मेरे मिराइबोस को इतनी जल्दी मारा ना, मैं तो भाई मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मैं इनको डैमेज भी नहीं दे पा रहा था। और ये देखो, दोनों मेरे पे ही चढ़ रहे थे और
हाँ मैं भी पास चला गया, कुछ कर नहीं सकता था, तो बस मैं मेरा हो गया भाई, मैं हो गया। वापस से मैं बेस में स्पॉन हो गया और लकीली मेरा सामान वगैरह ड्रॉप नहीं हुआ, अगर हो भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉज ये वाले वर्ल्ड का अपना एडवेंचर गाइज इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको जितना कंप्लीट करना चाहिए था मैंने कर दिया, कॉज यार मेरे को, मैं तुम्हें पहले बताया, मेरे को ना ही कोई न्यू मिराइबोस देखने के लिए मिले, ना ही बॉस मिराइबोस देखने के लिए मिले, और मर्चेंट भी कुछ खास मिराइबोस सेल नहीं करते, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें से ख़त्म हो गया। ये पूरा सोलो की तरह ही जा रहा था और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बची है, लेकिन मैं अपने सोलो का एक्सपीरियंस इसकी वजह से बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इस जनरी को यहीं पे एंड करने के बारे में सोचा। और वैसे भी अपना ये वाला वर्ल्ड डिलीट होने ही वाला था 10 दिनों में, तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करके कोई फ़ायदा था नहीं। तो चलो गाइस, इसी के साथ आई थिंक आज के लिए तो फिर बस इतना ही। आई होप ये वाला गेम प्ले तुम सभी को पसंद आया होगा तो गेम प्ले को एज ऑलवेज लाइक करना, मेक श्योर न्यू हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मिराइबो गो कंटेंट्स के लिए, एंड अगर तुम्हें 100 डे देखना पसंद होगा ना तो इसका पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उसको सोलो वर्ल्ड में देखूंगा जब इतने हेल पे पहुंच जाऊंगा। तो बाकी अपना सोलो सीरीज एंड मल्टीप्लेयर सीरीज कंटिन्यू है, तो उसको भी एक बार जाके जरूर से चेकआउट करना, तुम्हें डेफिनेटली मजा आएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एंड एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं और आइस विंग तुमसे गाइज मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चलो बाय बाय।